नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। लगातार बिहार की हलचल पर अब सभी पक्ष नेताओं की टिप्पणी सामने आ रही है और इसी श्रृंखला में यहां पर सपा सांसद डिंपल यादव की भी एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। नीतीश कुमार यहां फिर दोबारा पलटी मारने के लिए तैयार है और कहा जा रहा है कि शाम तक उनका इस्तीफा यहाँ पर आ सकता है और वो नौवीं बार बीजेपी से गठबंधन करके दोबारा अपनी सरकार बना सकते हैं और मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो सकते हैं। और ऐसे में कवायद ये लग चुकी है कि अब इंडिया अलायंस यहां पर टूटने वाला है। नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस की शुरुआत की थी और अब वही सबसे पहले नेता बनेंगे जो यहां पर इंडिया अलायंस को तोड़कर एनडीए के साथ गठबंधन कर लेंगे, यानी जिसने शुरुआत करी खत्म की हुई शुरुआत वही करता हुआ नजर आएगा। लेकिन डिंपल यादव यहां कहती हैं कि अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में रहेंगे तो इंडिया अलायंस मजबूत रहेगा और यही बात अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आए थे कि अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में बने रहे और अगर इंडिया अलायंस को वो अच्छे से लेकर चले और अगर यहां पर जीत इंडिया अलायंस की हुई तो यहां पर कई प्रतिशत मौका है। यहां पर आपको बता दें नीतीश कुमार के पास कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये बात खुद यहां पर अखिलेश यादव ने कही। लेकिन नीतीश कुमार तो लगातार पलटी मारने में लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जब राजभवन यहाँ पर सरकार के कई सारे लोग पहुंचे, जब नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो नीतीश कुमार के एक नेता ने तेजस्वी यादव की पर्ची फाड़कर फेंक दी और वो आकर नीतीश कुमार के बगल में बैठ गई और वहीं से अटकलें शुरू हो गई कि क्या तेजस्वी और लालू परिवार और साथी क्या नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक है, क्या ये अनबन अब बीजेपी को बड़ा मौका देगी कि लोकसभा चुनाव से पहले फिर दोबारा भारत जनता पार्टी एक राज्य को अपने हाथ में ले ले। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी शर्त रख सकती है कि उनके दो दो डिप्टी सीएम होंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही अपने चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं कि अगर नीतीश कुमार जरा भी बगावत करते हैं तो उनके कई सारे विधायकों को अपने साथ मिलाकर वो सरकार नीतीश कुमार की गिरा सकते हैं और यहाँ पर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और इस बीच यहाँ पर डिंपल यादव की प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं दर्शाती है कि इंडिया अलायंस के नेता नहीं चाहते कि नीतीश कुमार अलायंस से बाहर जाए, लेकिन बिहार की राजनीति कभी भी टिकाऊ नहीं रही है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।